इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट जी ने पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु हे पुने मुदित गय भूलई। पद पखार जल पान किया, अपने किया, पितर देवताओं स्वजनों परिजनों और बाद में पितरों को भी जल दिया हो, भगवान की साक्षी में पितरों को जल दिया, प्रभु को पार ले गया हो। तेरी ठाड़ी पार किया गंगा मैया को, केवट जी ने उतारा, सी राम गुह निषाद राज गुह और लक्ष्मण भैया समेत केवट जी ने दंडवत किया। भगवान को संकोच हुआ, इसे कुछ दिया नहीं, माता जी ने जान लिया, मुद्रिका उतारी, बढ़ाई, प्रभु ने कहा ले उतराई। केवट व्याकुल होकर चरणों में गिर पड़े हो, केवट चरण गहे अकुल आए, अंत क्यों? भगवान दे रहे हैं, भगवान लेने को कह रहे हैं, केवट जी इससे अकुलाए नहीं। अरे भैया देखो, किसके किसके हाथ से लेना चाहिए ये भी तो मर्यादा है, बच्चों के हाथ से नहीं लेना चाहिए, बेटियाँ के हाथ से नहीं लेना चाहिए, जामाता को देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, सन्यासी महापुरुष के कर से कुछ नहीं लेना चाहिए, उनको देना चाहिए, साधु संत को देना चाहिए, पुरोहित जी को देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए, छोटे को देना चाहिए, छोटे का जपत नहीं कर लेना चाहिए, चाहे जिससे ले ले, नहीं किससे लेना चाहिए, किसको देना चाहिए, बड़ों को देना चाहिए, छोटे से नहीं लेना चाहिए। आप कहेंगे ये कौन विधि है, यही लिखा है, यही जीवन है। कौन दे रहा है? माँ दे रही है और अलंकरण दे रही है। अरे किसी का अलंकरण तो लेना ही नहीं चाहिए, इसलिए अकुल आ गए। अरे राम नहीं, प्रभु
भगवान ब्रह्मा ने एक ही बार दे दिया, देना ही है सरकार, चाहिए तो मुझे कुछ नहीं, वापस आकर प्रभु जो दे देंगे वो प्रसाद सिरोधार्य करूंगा। सरकार के दर्शन भय, दृष्टि से दोष मिटा, मन से दुख समाप्त भया, हृदय का ताप चला गया, स्वभाव की दरिद्रता समाप्त हो गई। देखिए, दरिद्रता का संबंध वस्तु से नहीं है, स्वभाव से है। दरिद्रता की परिभाषा है का नहीं होना मान लेना दरिद्रता है। कुछ मांगिए भैया देखिए, अरे भाई भैया देखिए, बड़ी सुंदर कथा है। एक भिखारी सेठ जी की दुकान पर गया, ए सेठ जी सवेरे सवेरे कुछ दे दो, नहीं है जाओ फेरा करो, कुछ तो दे दो, अच्छा ले एक रुपया दे दो, नहीं है कह रहा हूं नहीं है, कई बार कहूंगा, अच्छा ऐठे फटा कपड़ा दे दो, पहन लेके फट गया कुर्ता, कह दिया नहीं है। तो भिखारी बहुत सुंदर बोला फिर गति पर क्यों बैठा है, मेरे साथ चल, तेरा पेट तो मैं पाल दूंगा, जब तेरे पास कुछ नहीं है तो इस गद्दी पर बैठने का तू अधिकारी भी नहीं है। भाई बाप नहीं न बोला करी, मुझे नहीं शब्द से एलर्जी है, पूछो पूछिए नहीं है, ये क्या है, नहीं नहीं बाजार में मिलता है ना, ले आओ रखो, काय का नहीं, कुछ निकला नहीं है, नहीं नहीं, यही स्वभाव की दरिद्रता है, नहीं है। अरे जिनके पास नहीं है वो कहते समझ जाता, जिनके पास है वो क्यों नहीं है। जीवन जीना है, बाजार से बढ़िया सामान लाकर बच्चों को खिलाने का अभ्यास कराइए, ऐसा नहीं गरीब दास की तरह गए बाजार, उठी तो बाजारी में पहुंचे, कितने का ढूरी हो, 7 रुपया का, ले आओ ले आओ, मलिकाइन क्या ले गए, लो बीना लो, ये क्या है, अच्छा ढूरी लेनी है इतना, लो बीना आधा किलो तो मैं निकल ही जाए, ये दरिद्रता है, ये बिनवाई मत, बीन बीन खाइए। भगवान ने संपन्न बनाया है तो बाजार से अच्छी वस्तु बच्चे खाएंगे, मस्तिष्क अच्छा होगा। आपको पता जापान में लोग सड़ा सामान नहीं बेचते हैं, क्यों, हमारे देश के बच्चे खाएंगे तो रोग पकड़ेगा। और एक हमारे यहां है निमन का, रखे रहेंगे दरिद्रवा, सरल के पहले बेचेंगे, उसके ग्राहक भी आ जाते, राम राम राम। नहीं नहीं, आपसे मेरी प्रार्थना है जहां पर यात्रा पर भी बात जाए, जहां देखो अच्छी से अच्छी वस्तु संग्रह की प्रवृत्ति बनाओ, अच्छी वस्तु हमारी है, अच्छी वस्तु प्रयोग करेंगे भगवान करुणा करेगा, अच्छी वस्तु भगवान को भेंट करेंगे, अच्छी वस्तु भगवान को भेंट ही करना है तो बाजार की सुंदर वस्तु, सुष्ट वस्तु, पुष्ट वस्तु, वस्त्र भेंट करना है बाजार का महंगा वस्त्र भगवान को भेंट करो, भगवान आपको भी महंगा पहराएंगे। कैसा स्वभाव बन गया है, दिया भगवान के चढ़ावे के बका, एक रंगा दे दो, भगवान ने रंगा पहनते कि पीताम्बर पहनते हैं, ये हमारी मानसिक दशा है, वो भी एक रंगा फाड़ता है, सेठ भी एक रंगे फाड़ता है, भगवान महंगा से महंगा, नीलांबज श्यामल कोमलांगम, ये स्वरूप है सरकार का, रक्तांभोज दलाभिराम नयनम, पीताम्बराल पीताम्बरालंकृतम, ये स्वरूप है प्रभु का। भगवान को सुंदर वस्तु, बिटिया को सुंदर वस्तु, बच्चों को बहुओं को सजे धजे सुंदर वस्तु पर पहना के रखो, क्या है, दरिद्रता से ऊपर उठा जाए, इससे बाहर निकली धोती 7 जगह फटी है, कैसो दबा के चले रहे, कुछ जाएगा, खोली ली है
बांधल लंगोटा हो खोता छोड़ के जाए छोड़ के जाए हवा स्वार्थ खातिर निमन बहुर होता हवा स्वार्थ खातिर बहुर होता छोड़ के जाए कहे माया में भुलाइल पड़ तोता का संग्रह हो अच्छी से अच्छी वस्तु उपयोग हो खराब उसके लिए अलग से लोग पैदा है। बाजार में सड़े सामान को खरीदने वाले लोग अलग से पैदा हैं। भगत को कभी बुरी वस्तु सड़ी वस्तु पिच वस्तु थर्ड क्लास वस्तु नहीं बढ़िया से बढ़िया यद जीवते क्षणमपि प्रथितम मनुष्यै विज्ञान शौर्य विभवादि गुणै समेतम तन्नाम जीवितमि प्रवदन काकोपि जीवत चिरायु बलिंच भुंगते। अपना ग्रास खाके कौवा 100 साल जीता है श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठ थे श्रेष्ठतम जीवन जीता है चाहे क्षण मात्र जीता है दिव्यता के साथ जीता है उसी का जीना जीना है नहीं तो घुट घुट करके दरिद्र तो मरी रहे क्या करना थोड़े दिन जियो ठीक से जियो अभ्यास करिए। केवट जी ने कहा अभी नहीं लौटती फिरती बार मोहि जो देवा तो प्रसाद में बहुत के इन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के बटले विधा के इन करुणा यतन भगत विमल। गंगा मैया की मनवती मानी है श्या मैया ने हे माँ गंगे पतिदेव जी और देवर जी के साथ वापस लौट कर आऊंगी इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी। गंगा जी ने आशीर्वाद दी आपकी कीर्ति छाएगी दिग्दिगंत में तीनों लोक 14 भवन में आप लक्ष्य प्राप्त कर अवश्य आएंगी। भगवान आगे बढ़े तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश हुआ एक बार भाव श्रद्धा से जोर से बोलिएगा बोलिए प्रयागराज महाराज की तीर्थराज प्रयाग नाम हो गया है अब क्या नाम हो गया प्रयागराज नहीं तो ये लोग कर ही दिए थे। काशी बना बनारस प्रयाग इलाहाबाद काशी बना बनारस प्रयाग इलाहाबाद अयोध्या को तो तूने फैजाबाद अयोध्या को तो तूने फैजाबाद कर दिया जय चंदा रे जय चंदा तूने देश को बर्बाद कर दिया जय चंदा रे जय चंदा तूने देश को बर्बाद कर दिया। पाटलिपुत्र को पटना भोजनगरी को भोपाल
प्रयागराज। कहाँ लगेगा? प्रयागराज महाराज की जय। भगवान तीर्थपति, अस तीर्थपति देख सुहावा, सुख सागर रघु बर सुख पावा। भगवान को कह सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर नगराओ। पाप रूपी पक्षियों हाथियों का वध करने के लिए तीर्थराज प्रयाग सिंह जैसे हैं। प्रयागराज पहुंच जाने के बाद सारे पापों का समापन हो जाता है। ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सबके राजा हैं कौन? तीर्थराज प्रयाग। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थराज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, अवतार सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग स्वागतम 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 पधार। वाह वाह कौन साहब, आपकी जय हो। तो तीर्थों का आदर हो, सम्मान हो, बड़ी सुंदर बात है। सारे विघ्न अपने आप दूर। भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पावन आश्रम पधारे, भरद्वाज जी को वंदन किए, रात्रि विश्राम हुई है तीर्थराज प्रयाग में प्रभु की। और आप जानते हैं अगले दिन भगवान यहाँ से चलेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।